अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं GTA 5 के अंदर 48 कार्स का जो है ना एडन पैक वो डालने जा रहा हूँ। तो जी देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हमारे पास क्या है। तो जी सबसे पहले इसके लिए जो है वो बेसिक मोड को चलाने के लिए आपको पता है हमें चाहिए होता है स्क्रिप्ट हुक वी, देन स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट। इसके बाद जी हमें चाहिए होगा गेम कॉन्फ़िग, क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें हमें जो है वो इसको चलाने के लिए कोई मसला ना आए, तो इसलिए एक तो गेम कॉन्फ़िग चाहिए होगा। इसके बाद जो है ना हीप एडजस्टर चाहिए होगा, देन हमें चाहिए होगा पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, और इसके बाद जाहिर सी बात है हमें जो है ना ये 48 कार्स वाला पैक ये तो लगने वाला है। तो जी खैर आपका कीमती टाइम बचाने के लिए जो है ना मैंने ये सारे मोड्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। खैर इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी ये सिर्फ एक फोल्डर की आपको बताऊं तो ये गालबन हाँ 1.24 GB का है। तो इसको अगर इंस्टॉल करने में मैं टाइम ज़ाया करता तो वो मतलब आपका कीमती टाइम जाया करता तो काफ़ी देर लग जानी थी, इसलिए मैंने भाइयों के लिए जो है ना इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो खैर ये जो बेसिक मोड्स हैं इनको GTA 5 में डालने के लिए हम तो इनको जो है वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो अगर जिप फाइल से मैं डायरेक्ट इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो जी मैं अब फिलहाल भी इसी तरह करूँगा। तो जी बेसिक मोड्स के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा GTA 5 के मेन डायरेक्टरी के अंदर। अब GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम जो है ना दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग जाएंगे दिस PC के अंदर, देन इसके बाद जाएंगे जहाँ पे भी हमने GTA 5 को इंस्टॉल किया होगा, जिसका यहाँ पे मैंने GTA 5 को इंस्टॉल किया तो मैं यहाँ पे आ गया। खैर अगर हमें पता नहीं है कि हमने GTA 5 को कहाँ पे इंस्टॉल किया है, या किसी भी जो है वो चीज़ की आपने शॉर्टकट की मेन डायरेक्टरी को ढूंढना हो, तो आपने सिंपली उसके शॉर्टकट पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन, तो ये उसकी मेन डायरेक्टरी खुल के आपके सामने आ जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें डालेंगे स्क्रिप्ट हुक वी को। तो जी स्क्रिप्ट हुक वी को मैंने खोल लिया। इसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से बिन में, और बिन में ये दो फाइल जो है ना ये मुझे चाहिए। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर, और आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी भी फोल्डर के अंदर जो है ना ये GTA 5 की मेन ये जो स्क्रिप्ट हुक वी को किसी भी फोल्डर के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ना कर रहे हो, आप इसको बाहर किसी खाली जगह पे जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, इससे जो है वो गेम क्रैश होने का मसला आ सकता है। इसके बाद हम लोग खोलेंगे जी स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, तो इसको भी खाली जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। मेरा रिप्लेस का साइन इसलिए आ रहा है कि मेरे पास ये पहले से जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो जी इसके बाद हम लोग जो है ना स्क्रिप्ट का फोल्डर खोल लेंगे। स्क्रिप्ट का फोल्डर अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो ये बनाना, मैंने हाउ टू मोड GTA 5 के अंदर सिखाया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जी नेटिव UI भी हमारा डल गया। इसके बाद जो है जी पैक लिमिट एडजस्टर, इसको हम लोग किस तरह डालेंगे, ये दोनों फाइल्स कॉपी करेंगे, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे दोबारा से मेन डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपको किसी चीज़ की बाद में मतलब समझ ना आए तो आप एक तो खैर वीडियो को जो है वो दोबारा से चला कर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपके पास ये रीडमी फाइल यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो जी ही फाइल हम लोग ये दोनों को भी पकड़ेंगे यहाँ से और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर। खैर ये मेरे पास शायद से पहले नहीं पड़े हुए थे, इस वजह से जो है ना ये दोबारा से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहे। अच्छा अब ये जो है ना हमारे पास गेम कॉन्फिग है GTA 5 का कॉन्फिग, तो इस पे जो है इस टाइम यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि जो वर्जन हमारे पास शो हो रहा है वो है जी 1.0.29। तो जी अगर आपको नहीं पता कि आपके पास इन्होंने जो है ना यहाँ पे ओल्डर वर्जन भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको नहीं पता कि आपके पास जो है ना गेम है इसका वर्जन क्या है, तो आपने यहाँ पे सिंपली करना क्या कुछ मतलब ना कि पहले मैंने जैसे प्रॉपर्टीज में जाता था यहाँ से आगे डिटेल्स के अंदर जाके तो फिर मुझे वर्जन का पता चलता था, या फिर जब गेम आप ऑन करते हैं तब जब ब्लैक स्क्रीन होती है
साइड पे पिक्चर शो कर दूंगा, पिक्चर मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, तो फिर आप देख सकते थे कि आपके पास जो है ये इसका वर्जन कौन सा। आपने सिंपली इसके जो है ना ये जो है वो आइकन पे जाना है, और ये आपको थर्ड नंबर पे शो हो रहा है फाइल वर्जन 1.0.25450, तो जी ये हमें वर्जन इसका शो हो गया। तो जी ये हमें जो है ना अपना गेम का मोड जो है वो मिल चुका है कॉन्फ़िग, सॉरी। तो जी इसके लिए आपने करना क्या, आपने सिंपली जो है ना, खैर इसको इसका काम फिलहाल मेरा ख्याल है हाँ बंद हो ख़त्म हो चुका है। तो जी आपने ओपन आईवी को खोल लेना है। तो जी ओपन आईवी को खोलते ही जैसे ही ये देखे हमने जो है वो अपनी गेम का वर्जन मिल चुका है। तो जी हम लोगों ने ओपन आईवी को खोल लेना है, ये थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद हमारे पास लोड होके आ जाएगा। तो जी आपने करना क्या, इसको यहाँ पे एडिट मोड में इसको खोलना, मतलब अगर आप कोई भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको मेक श्योर करेंगे ये एडिट मोड पे, इसको परमानेंट अगर आपने एडिट मोड पे रखना मेरी तरह, तो आप मेरी हाउ टू मोड GTA 5 वीडियो देख सकते हैं। तो आपका पहले यहाँ पे मोड होगा, देन अपडेट होगा। तो जी यहाँ से अपडेट डॉट RPF, देन कॉमन, देन डेटा, और यहाँ से आपने नीचे आना, और ये आपके पास गेम कॉन्फिग है, इसका आपने एक यहाँ पे बैकअप बना लेना ताकि आपका कोई मसला ना आए। तो यहाँ से आपने फॉर लेफ्ट मोड, फॉर मोर मोड, तो आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो जी यहाँ पे लास्ट पे जो है ना हमारे पास है स्टॉक ट्रैफिक, तो जी यहाँ पे गेम कॉन्फिग डॉट XML, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे GTA 5 के अंदर। तो जी ये गेम कॉन्फिग भी हमारा डाल चुका है, ये सारे काम जो है ना ये वो है ख़त्म, इनको करते हैं एक साइड पे, और अब ये जो है ना 48 कार पैक्स वाला इसका काम शुरू होता है। तो जी हम लोग जो है वो स्टार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे जी ओपन आईवी लोड होने के बाद आता है। तो जी हम लोग यहाँ से सिंपली करेंगे क्या, तो जी आपने सिंपली यहाँ पे एडन ओपन आईवी खोलना है, और यहाँ से जो है फाइल इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ओपन आईवी के अंदर। तो ये यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो लोडिंग लेने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसके बाद ये पूछेगा आपसे कि आपने इसको मोड्स फोल्डर में जो है वो इंस्टॉल करना है या गेम फोल्डर में। तो जी मैं चूंकि मोड्स फोल्डर यूज़ नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको गेम फोल्डर के अंदर ही, मेन गेम डायरेक्टरी के अंदर ही जो है ना वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जी यहाँ से थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, इसके बाद जो है ना वो इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये मोड GTA 5 के अंदर सक्सेसफुली डाल चुका है। तो जी अब चलाते हैं अपने GTA 5। तो जी GTA 5 के अंदर जो है ना हम लोग आ चुके हैं, अभी चलते हैं बाहर, और यहाँ पे जो है ना ऑडी हमारी खड़ी है खैर, तो यहाँ पे मैन्यू ट्रेनर हम लोग खोल लेंगे। तो मैन्यू ट्रेनर खोलने के बाद हम लोग जाएंगे व्हीकल ऑप्शन में, और देन जो है व्हीकल स्पॉनर के अंदर, और यहाँ से चले जाएंगे सुपर कार में। तो जी सुपर कार के अंदर आते ही जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको नज़र आ रही है 2017 की बुगाटी चिरोन, और उसके बाद 2018 की फरारी 812 सुपर फास्ट, और फिर से 2019 की जो है ना बुगाटी चिरोन, और इसी तरह एडर, मतलब ये सॉरी ये अच्छा एक और इनकी जो है वो निशानी स्पैक की। अब इस गाड़ियाँ जो हैं स्पैक की आप वो किस तरह ढूंढेंगे, वो इस तरह आप ढूंढेंगे जिस गाड़ी के आगे नो प्रीव्यू अवेलेबल लिखा हुआ है ना, वो आपकी बेसिकली पैक वाली गाड़ियाँ होंगी। और जाहिर सी बात है जो गाड़ियाँ GTA 5 के अंदर पहले से होंगी उसके अंदर जो है ना वो इनके नाम वगैरह मतलब नहीं लिखे होंगे। जिस तरह ये गाड़ी है तो ये इसका एक अजीब सा मतलब नाम दिया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने प्रॉपर एक इसको नाम दिया हुआ है बुगाटी चिरोन और लैम्बर्गिनी। तो ये इस तरह से करके आप जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ ये ढूंढ सकते हैं, ये जिन पे आपको प्रीव्यू अवेलेबल होगा। तो समझ इसके बाद जो है ना ये 2017 का एक मॉडल है, ये मर्सिडीज AMG है। तो इसके बाद जो है ना शेवलेट है, और मतलब इसी तरह से जो है ना ये सारे आपको इसमें ऑफ रोडिंग व्हीकल भी अवेलेबल होंगे। जितना अब ये मॉडल हो गया हमारे पास, और ये होगी ये गाड़ी। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो है ना सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाकी मेरे लीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।